प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। अर्धांगनी पिक्चर की डबिंग कर रही हूँ, आज मैं आई हूँ कि अर्धांगनी मूवी की डबिंग कंप्लीट हो जाए। और बहुत अच्छी पिक्चर है, बनी बहुत अच्छी है। जब मैं डबिंग पे यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सीन्स देखे अपने खुद के, तो आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे सीन और इतनी अच्छी, मतलब स्क्रिप्ट तो इतनी अच्छी थी और हम लोगों ने वाकई में इतने अच्छे सीन शूट भी किए। और आई एम सो हैप्पी कि खुद का काम देख के मुझे खुशी हो रही है। इवन इसमें अंजना जी हैं, सूरज जी हैं और भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे। सब लोगों की सीन एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छी पिक्चर शूट हुई है और कहानी सुपर्ब है इसकी। नमस्कार। देखिए अपने बच्चों को सब लोग प्यारा ही बोलता है। मैं तो अलग पिक्चरें करती हूँ, बाकी में जब मैंने खुद नहीं देखा है, सच में अच्छी है, सच में प्यारा बना भी है और अच्छा भी लग रहा है। नो डाउट हम कट टू कट करके देख भी रहे हैं, तो कभी गाने देख रहे हैं, कभी फाइट सीन देख रहे हैं, कभी अपना सीन्स हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जहाँ तक बात है बनाने की, तो सबने मेहनत किया है, इस किसी एक को नहीं जाता है, क्योंकि एक अकेला इंसान ना मकान बना सकता है ना एक प्रोजेक्ट बना सकता है। कहाँ से बेचारा ईंटा लाएगा, बालू लाएगा, सीमेंट लाएगा, अकेले अकेले क्या क्या करेगा। तो सारे मजदूर होते हैं, कोई ईंटा लाता है, सीमेंट लाता है, बालू लाता है, मिट्टी लाता है, तो मिक्स करता है, तो कोई धराता है, तो कोई उसको जोड़ता है, तो जाके धीरे धीरे मेहनत से एक मकान बनता है, तो उसमें खुशी से एक परिवार रहता है। वैसे ही जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर है हम सभी यूनिट वाले, अर्धांगिनी वाले। तो सबने मेहनत किया फिल्म के ऊपर, सबने 25 दिन 20 दिन एक महीना मेहनत किया, स्क्रिप्ट पे मेहनत हुआ, डायरेक्टर ने मेहनत किया और इसके जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, सबने मेहनत किया। आर्टिस्ट ने मेहनत किया, सिंगर्स ने मेहनत किया, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत किया, राइटर ने मेहनत किया और हमारे बॉलीवुड सिनेमा जो संपादक हैं बड़े भाई संजय जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया सबको कंबाइन करके, इनको एग्रीमेंट कराना, साइनिंग कराना, सुवी जी से, संजय जी से, संजय पांडे और अयाज खान सबसे बात करके, ऑफिस जाके मीटिंग करा के सबका शाइनिंग कराना और डेट्स लेना। किसी का डेट मिल रहा था, किसी का नहीं मिल रहा था, तो भैया एक काम करते हैं आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन ये फिल्म बढ़िया है। सुभी जी का डेट, हाँ मैं लकी था, मैं लकी इन्होंने मतलब जब मुझसे बात हुई थी इन्होंने एक साल पहले से फाइनलाइज किया था, इसलिए इनको इजीली डेट मिला। मैं वन ईयर पहले ही इन्होंने माइंड में बिठा रखा था। मैंने एक बार इंटरव्यू में बोला भी था कि देखिए जब मैं फिल्म राइटिंग हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि अपनी प्रोडक्शन है, बैनर अपना है और बना रहा हूँ, तो एक कैरेक्टर के हिसाब से चुलबुली लड़की चाहिए थी कॉलेज लाइफ जीने वाली, प्लस वो फिर शादी के बाद शादी लाइफ आती है तो वो चीज़ चाहिए था। तो मैं इनकी जब फिल्में देखता था तो मैं सोच रहा था यार काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये मेरे साथ काम करें, मैं इनके साथ काम करूं। बट एक चीज़ और भी है कि इनकी पिक्चर करने के लिए मैंने 3 पिक्चरें छोड़ी हैं, बिकॉज इनकी कहानी इतनी अच्छी थी और जो मैंने डेट दिया था इनको, मतलब इनने फैब में अगर मुझसे पूछा था पिछले साल तो अगले फैब के लिए उन्होंने पूछा था, मैंने बोला था कि मैं कहीं पे भी होंगी यो फैब आपके लिए फिक्स है, मैं आपकी शूटिंग ही करूँगी। और उस टाइम मेरे पास और भी काफ़ी पिक्चरों के ऑफर आए और ऐसा था कि हाँ ये भी, बट नहीं, क्योंकि इनकी कहानी इतनी अच्छी थी, उनको एक साल पहले से कमिटमेंट किया था तो इनकी पिक्चर की, बाकी आपके पिक्चर के लिए मैंने छोड़ा भी है, बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट। हाँ वो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि आप उस समय भी बोली थी कि थोड़ी पिक्चरें आ रही हैं अगर समय आगे पीछे होगा, मैं बोला देखिए सबका समय मैं लेके रखा हूँ, आप इस समय पे आ जाइए, तो मुझे थोड़ा सा खुशी भी होगा और मेरे मन की इच्छा पूरी भी होगी कि चलो मैंने जो सोचा वो किया, अच्छा लगा करके। अंजना ऐसे को स्टार भी बहुत अच्छी है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो मतलब उनके साथ में कैसे, मतलब इतना 25 दिन कैसे बीते, फील बिल्कुल भी हुआ नहीं। इवन हम लोग कई बार क्या होता था, शूटिंग जब पैकअप होता था तो लाइक ये भी कि हाँ चलो आज लंच साथ में करते हैं, डिनर साथ में करते हैं, इवन उनकी कभी मैं उनकी वैनिटी में होती थी, कभी वो मेरी में, इवन हम लोग टिकटॉक भी हम लोगों ने बहुत शूटिंग मतलब शूट किया है, शूटिंग के अंदर टिकटॉक भी हम लोग काफ़ी सारे उस टाइम शूट भी किए हैं। तो अंजना जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत सौम्य हैं और उनके साथ में जब भी काम करती हूँ मैं तो बहुत अच्छा फील होता है। ये पिक्चर ऐसी थी कि जिसमें हमने पूरी पिक्चर साथ में किया और दोनों लोग इस पिक्चर में थे, वरना अदरवाइज कभी उनका एक सॉन्ग मेरी पिक्चर में होता था, कभी मेरा एक सॉन्ग उनकी पिक्चर में होता था, बट ये जब साथ में शूटिंग किया तो हमने मस्ती बहुत ज़्यादा की, ढेर सारी मस्ती की। अंजना जी काफ़ी सुलझी हुई एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छी इंसान भी हैं,
उनका सोच अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है, और वो थोड़ा सा अपनी अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीती हैं। उनके साथ काम करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा मुझे कि मैं कहीं मतलब अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़े सब तो बड़े ही हैं सबका, मैंने बता रहा था अभी ना, पिलर सारे बड़े हैं। तो मैं कब सोच रहा था कि यार मतलब कहीं ऐसा ना हो कि नर्वसनेस फील करूँ अंदर से, तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। तो मैं मेरे अंदर बार बार ये चीज़ आ रही थी कि अरे यार मतलब जब मैंने प्रिपेयर किया है और मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कोई मतलब जिसका समय जब आता है वो तब बनता है, तो मेरा समय है, मैं करूँगा, मैं 110 दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं कैसे ये कर लूँ कि मैं नर्वस हो जाके और काम ना करूँ, दैट्स इम्पॉसिबल। तो मैंने अपने अंदर अपने आप से क्वेश्चन किया, आंसर भी लिया, तो मैंने सोचा नहीं यार कुछ नहीं है, उन्होंने 50 फिल्म किया तो 50 फिल्मों का एक्सपीरियंस है, आज जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने किया, वो काफ़ी अच्छी सुलझी हुई हैं, उनकी लाइफ जो है काफ़ी अपना जीने का सबका तरीका अलग है, और काफ़ी अच्छी इंसान है, काफ़ी सपोर्ट भी की। एक दो गाने चल रहे थे तो मैं थोड़ा सा आउटफील वो थिंक कर रहा था कि यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं करते हैं, और कभी कभी स्टेप्स मिस्टेक होते थे तो थैंक यू सुभी जी, स्टेप मिस्टेक होते थे तो सुभी जी भी बोल रही थी कि एक काम करिए आप स्टेप को अपने तरीके से कीजिए, मैं आपको फॉलो कर लूँगी। तो इन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी कोऑपरेट किया और काफ़ी सपोर्ट किया, अच्छा लगा। बट आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप ये प्लीज़ कहिए मत कि आप न्यू स्टार्टिंग ये वो, एकदम पूरी तैयारी के साथ में आए थे, ये भी बोल रहे हैं बट पूरी तैयारी के साथ में आए थे, फुल एक्शन अच्छा। देखिए मैं उतना ही था दरअसल, हाँ। दो साल तीन साल एक सब्जेक्ट पे काम करना, उसके बाद उसको मेकिंग करना और मेकिंग करके उस पर मतलब खरा उतरना। मैं अगर मस्ती के लिए करता है, मैं टाइम पास करता है कि चलो सब फिल्म बना रहे हैं, 1 करोड़ रुपए लगा के मैं भी अपना फिल्म बनाऊंगा, नाम कमाऊंगा कि मुझ मैं भी हीरो बन गया, अगर इसके लिए करता तो टाइम पास मैं भी कर लेता। मैं मुझे भी था कि चलो मैंने किया यार, बस हो गया तो हो गया, आपको जो करना है आपने किया, मुझे जो करना है मैंने किया, लेकिन मैंने सबका ख्याल रखा। नहीं यार, सबके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, सबने हार्ड वर्क किया हुआ है, सबने छोटे पैदान से लेकर बड़े पैदान पे पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत किया है, तो जाके भोजपुरी समाज भोजपुरी जनता उनको एक मुकाम दिया है। आज उस मतलब कारीफ एक ताबील है कि मुकम्मल नहीं है किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ प्रेजेंट है सबके पास। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब इंसान को आगे बढ़ना है, जब मुझे यही क्षेत्र है और 8-10 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, मुंबई में रह के मैं जूनियर आर्टिस्टों का काम किया हूँ, अशोका सम्राट जैसे सीरियल और वो महाराणा प्रताप जैसे सीरियल, रेडीमंड का पलटन जैसे सीरियल में डे टू डे काफ़ी मैंने किया था। तो अशोका जब मैं कर रहा था तो जेपी सर तो उसमें डायरेक्टर थे, तो जेपी सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया, तो काफ़ी मुझे अभी तक साथ देता है वो चीज़, जो गाइड करते थे, जो मतलब गाली देते थे कि क्या करते हो चुतिया पा ये है वो है, तो मुझे लगता था सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट जो रियलिटी है रियलिटी है मैं बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की तरह सेट पे प्यार दे के उन्होंने मुझे उस लायक बनाया, हाँ बनाया, वो मुझे काम देता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर ना आया कि यार मैं उतने साल से करते करते इसी दिन का ना वेट कर रहा था, वो चीज वाकई में जब उस दिन का वेट कर रहा था और वो दिन आ गया, तो मैं एक्सक्यूज क्यों दूं कि मुझे डांस में थोड़ा सा मतलब कमी है सपोर्ट करो, मुझे एक्टिंग में थोड़ा सा कमी है सपोर्ट करो, मुझे मतलब डायलॉग डिलीवरी में कमी है सपोर्ट करो, बॉडी लैंग्वेज में कमी है सपोर्ट करो, क्यों करूं, कब तक करूंगा, तो ये मेरी कमजोरी हो जाएगी। तो मैंने बोल्ड किया कि कोई भी हो, चारों तरफ तो धुरंधर नजर आ रहे थे, अयाज खान अपने स्टाइल में, संजय पांडे अपने रुतबा में, और उसके बाद मनोज टाइगर जी का अलग स्टाइल, संजना जी का अलग, सुभी जी का मतलब सबका अलग, और सब लोग है भी भाई रियल है, भोजपुरी तो बन रही है इन लोग के ऊपर, सब लोग तो बड़े बड़े स्टार हैं। तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, ये धुरंधर है, लड़ेंगे, हम भी लड़े, हमने भी अपना दिया, लड़ाई अच्छे से की इन्होंने, एकदम जंग जीत गए पूरी। मैंने बोला कि अब जो होगा कम से कम आज उसी चीज का देन है कि मैं नर्वस नहीं हुआ, मैंने कॉन्फिडेंस नहीं खोया, मैंने हार्डवर्क को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, उसी का देन है कि ये हो या कोई, हाँ ये हो या कोई भी हो, मतलब बोल देते हैं कि चलो बढ़िया काम किए हैं। नहीं सही में वाकई में सूरज जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमें कहीं से फील नहीं हुआ कि अभी जिसकी, बट अभी इन्होंने जो बताया कि इतना एक्सपीरियंस इनके पास है, तो वही एक्सपीरियंस सही में आपके बहुत काम आया कि फर्स्ट जब हम लोग पहला हम लोग सीन कर रहे थे वो 1 टेक ओके हुआ, उससे पहले मैं थोड़ी सी नर्वस थी, थोड़ी डरी हुई थी कि अब कैसे होगा क्या होगा, और कि एक्शन था सीन भी और इतना टफ था पहला ही सीन की लाइक आई एम बी जस्ट शॉक्ड कि यार ये अंजना जी और मुझको एक साथ स्टेयर्स जो मतलब एग्जैक्टली क्या बोलेंगे उनको हॉस्पिटल का स्ट्रेचर, हाँ दो थे मरीजों को लेके जाते हैं, एक पे अंजना जी थी एक पे मैं थी, एक होता तो और ये अकेले और इनको मतलब उसमें क्या था मतलब
चढ़ाई थी थोड़ा, और इधर थोड़ा गैप था कि अगर एक भी थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ तो मतलब हम लोग गए। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप कर लेंगे ना सही से? तो बोला हाँ हाँ, बोले कि आप आराम से विश्वास रखो, हो जाएगा सीन। और जब मैंने आँखें बंद की, मैंने कहा भगवान बस ये सीन हो जाए, बचा लेना, क्योंकि आगे एक छोटा सा गेट था जिसमें एक ही टाइम पर दोनों को, इनको अकेले को लेके जाना था। और जब वो पहला सीन हुआ और एकदम फर्स्ट टेक ओके हुआ, ओके, मैंने बोला अच्छा ओके, मैंने कहा मतलब आर्टिस्ट अच्छा है, टेंशन ख़त्म। उसके बाद तो उनके साथ जितना भी काम किया, सीन किया, फटाफट शूट होते थे, और कहीं ऐसा नहीं होता था फील कि हाँ ये सीन में कम ज़्यादा, परफेक्ट। तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ आज। थैंक यू। बस मैं एक चीज़ चाहूँगी, जो मैं ऑडियंस है जिसे आज तक मुझे प्यार दिया है, वैसे सूरज जी को अपना प्यार दे, आशीर्वाद दें। और उन्होंने वाकई में बहुत कड़ी मेहनत के साथ में वो आए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला ना एक बात कि मैं सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने वो, उन्होंने वाकई में वो पिक्चर जी है, एक्टिंग जी है, और कुछ ऑडियंस को अच्छा चाहते हैं देना। इसलिए पिक्चर जो है हमारी, जब आप देखेंगे तो पूरा फैमिलियर पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर है, इसमें अश्लीलता का एक शब्द नहीं है, एक चीज़ नहीं है, पूरी पिक्चर जो बहुत सोच के समझ के, कि ताकि हमारी ऑडियंस को हम कुछ अच्छी चीज़ दे पाए, जिसको वो अपनी माँ के साथ भी देख सके, बहन के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी, सबके साथ में देख पाए। Planet Bhojpuri.